हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत सभी राजनीतिक दल प्रचार में जुटे हुए हैं। चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप और पार पलटवार का दौर लगातार जारी है। शनिवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने तेजी से विकास कार्य किए हैं। भाजपा की सरकार ने विकास किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने विरोध करने का ही काम किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में बल्क ड्रग पार्क, IIM मेडिकल डिवाइस पार्क के साथ देश की चौथे वंदे भारत एक्सप्रेस देकर हिमाचल में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में इस बार रिवाज बदलने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास कर रही है, लेकिन दोनों ही दल केवल विरोध करने का काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएगी, डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएगी। ये हमारा सौभाग्य है कि आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और इन दोनों सरकारों ने, डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश का चहुंमुखी विकास किया है। आज अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो जो 5 साल पहले नजर नहीं आता था, आज हिमाचल प्रदेश में IIIT भी है, IIT भी है, IIM भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, NIT भी है, और 6 मेडिकल कॉलेज, 1500 करोड़ रुपए की लागत से एम्स अस्पताल, 100 सीट का मेडिकल कॉलेज, 60 सीट का नर्सिंग कॉलेज, और लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से PGI सैटेलाइट केंद्र, और ऐसा ही नहीं 180 करोड़ रुपए की लागत से हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, 500 करोड़ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ना जाने कितने शिक्षण संस्थान, केंद्रीय विद्यालय, फोर लेन सड़कें, रेलवे जो कभी होते ही नहीं थी वो ऊना से लेकर दौलतपुर चौक तक पूरी कर ली गई। भनुपली बिलासपुर रेलवे लाइन का काम तेज गति से शुरू करवाया गया है, जमीन अधिग्रहण का काम किया गया है। मैं तो ये कहूंगा ये विकास की रफ्तार है, फिर भाजपा सरकार है, और ये विकास की रफ्तार को हम थमने नहीं देंगे। हिमाचल के चहुंमुखी विकास के लिए ये डबल इंजन की सरकार फिर वापस आएगी। जैसे केंद्र ने आयुष्मान भारत योजना में 5-5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में 60 करोड़ गरीबों तक, जरूरतमंदों तक देने का काम किया, प्रदेश में जयराम जी की सरकार ने हिम केयर योजना के माध्यम से 5 लाख का इलाज देने का, केंद्र ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से 9 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर देने का काम किया, तो प्रदेश ने मुख्यमंत्री गृहिणी योजना माध्यम से रही जो बची हुई बहनें थी उनको भी 3 लाख से ज्यादा रसोई गैस का सिलेंडर चूल्हा देने का काम किया। केंद्र ने आपदा के समय 80 करोड़ गरीब और जरूरतमंदों को 5-5 किलो अनाज 28 महीने तक मुफ्त में देने का काम, मदद की। वहीं पर प्रदेश ने लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च करके अपनी ओर से भी योगदान किया और अन्न देने का काम किया। केंद्र ने अगर 200 करोड़ वैक्सीन देश भर के लोगों को लगवाने का काम किया तो हिमाचल प्रदेश ने नंबर 1 पर पहली डोज की और दूसरी डोज लगाने का कीर्तिमान स्थापित। कांग्रेस ने वायदे किए थे कर्जा मुक्त करेंगे तो किसानों का, पंजाब में इनकी सरकार थी 5 साल रही, नहीं कर पाए, राजस्थान में नहीं कर पाए।